Good morning friends, welcome back to online classes of BBBN. In previous class we have completed the class Amphibia and Reptilia. Amphibia और Reptilia के बारे में हमने पढ़ा था previous class में. देखिए amphibians क्या होते हैं बेटा, ऐसे animals होते हैं जो जिनका habitat जो है terrestrial में होता है और वैसे ही वो aquatic habitat में भी आराम से रह सकते हैं. ठीक है, उसमें अपन ने पढ़ा था जो उनका heart है वो three chambered होता है ना. उसके बाद अपन ने पढ़ा था रेप्टिलिया, है ना. रेप्टिलिया में क्या होता है, थ्री चैम्बर्ड हर्ट ही होता है, बट जो क्रोकोडाइल्स होते हैं उनमें फोर चैम्बर्ड हर्ट होता है. रेप्टिलिया पढ़ा था अपन ने, क्रॉलिंग एनिमल जो होते हैं वो रेप्टिलिया. ठीक है, टुडेज टॉपिक इज क्लास. नेक्स्ट क्लास जो है वो अपनी है एप्स, क्लास एप्स और लास्ट है अपनी इसमें मैमेलिया. ठीक है, और चैप्टर भी अपना जो है वो मैमेलिया के साथ ही फिनिश हो जाएगा. ठीक है, देखिए एप्स एप्स एबिस भी इसको प्रोनंसिएट करते हैं, इनका प्रोनंसिएशन एप्स. देखिए एबिस इनमें मेनली जो है वो बर्ड्स को इंक्लूड करा गया है. एप्स इंक्लूडेड द बर्ड्स. ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो है कैरेक्टर्स क्या है बर्ड्स के, तो बर्ड्स क्या होते हैं आपको पता है, उनमें टू फोर लिम्स होते हैं, वो मॉडिफाइड होते हैं इन द विंग्स, है ना. उड़ने के लिए या जो फ्लाइट एडेप्टेशन है उनका, जो फोर लिम्स होते हैं आगे वाले पैर वो दो वो मॉडिफाइड होते हैं इनटू द विंग्स फॉर द फ्लाइट. ठीक है, फिर जो एनिमल्स होते हैं इनमें एक आउटर कवरिंग प्रेजेंट होती है, किसकी, फेदर्स की. तो फेदर्स होते हैं उनमें आउटर कवरिंग इनमें पाई जाती है. देखिए दीज आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स. वार्म ब्लडेड एनिमल्स क्या होते हैं बेटा, जो एनवायरमेंटल टेम्परेचर होता है उससे उनमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, उनका जो टेम्परेचर होता है वो होता है कांस्टेंट, लाइक ह्यूमन बीइंग्स. ठीक है, तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं मतलब कि विंटर हो चाहे समर्स हो, ये उस अकॉर्डिंग अपने आप को क्या नहीं करते हैं, बदलते नहीं है. ठीक है, जो बर्ड्स होते हैं वो विंटर में भी मिलते हैं और समर्स में भी, वो हाइबरनेट नहीं होते है, है ना, वो कहीं भी हिडन नहीं होते एनवायरमेंट से. ठीक है, तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं मतलब उनका बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट होता है, बदलता नहीं है. And they have four chambered heart. और उनमें जो हार्ट होता है वो four chambered होता है, मतलब कि क्रोकोडाइल्स तक जो है वो three chambered heart होता है. ठीक है, उसके बाद जो है क्रोकोडाइल के बाद एप्स है और मैमेलिया है, उनमें four chambered heart होता है. ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर है the legs, एग्स को ही ले करते हैं. ठीक है, फिर है they have outer covering, इनमें outer covering होती है of feathers, जो feathers की होती है, है ना. और टू फोर लिम्स आर मॉडिफाइड फॉर द फ्लाइट, और दो फोर लिम्स होते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं इनटू द फॉर द फ्लाइट, फ्लाइट एडेप्टेशन होता है इनमें, तो उनके लिए ये मॉडिफाइड होते हैं इनके दो फोर लिम्स. ब्रीथ थ्रू लंग्स, और जो रेस्पिरेशन है वो होता है बाय द लंग्स. एग्जांपल सारे जो बर्ड्स हैं वो इस एग्जांपल है, लाइक पिजन है, स्पैरो है, क्रो है, जो भी है पैरट वगैरह, तो सारे बर्ड्स किसमें आते हैं इनटू द एयर्स. ठीक है, एयर्स में अपन कह सकते हैं फीचर्स, तो इनकी आउटर कवरिंग है वो फेदर्स की होती है, फोर लिम्स होते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं फॉर द फ्लाइट. ठीक है, वार्म ब्लडेड होते हैं, फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है इनमें. ठीक है, एग्स को क्या करते हैं, ले करते हैं, और इनमें रेस्पिरेशन होता है वो होता है थ्रू द लंग्स. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है अपना एग्स के बाद मैमेलिया. नेक्स्ट जो क्लास है वर्टिब्रेटा में वो है क्लास मैमेलिया. इससे पहले अपने सिक्स क्लासेस थी मैमेलिया की डिवीजन में, फर्स्ट थी साइक्लोस्टोमेटा वो अपन ने पढ़ा, है ना, उसके बाद पाइसिस थी, फिर एम्फीबिया, रेप्टिलिया, है ना, उसके बाद में अपन ने पढ़ा एप्स और लार्ज जो है वो अपना है मैमेलिया. ठीक है, तो मैमेलिया जो होते हैं दे हैव वार्म ब्लडेड एनिमल्स, दीज आर द वार्म ब्लडेड एनिमल्स एंड दे हैव फोर चैम्बर्ड हेड. वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, इनका भी टेम्परेचर जो होता है वो कॉन्स्टेंट होता है, अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल टेम्परेचर चेंज नहीं होता. ठीक है, कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर होता है, सर्दी गर्मी जो भी है उनमें टेम्परेचर जो है वो बढ़ता नहीं है. अगर एनवायरमेंट में टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि ये जो एनिमल्स होते हैं वो अपना टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जी नहीं, इनका जो टेम्परेचर होता है वो कॉन्स्टेंट रहता है. ठीक है, फिर इनका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है दे हैव मेमोरी ग्लैंड्स, इनमें मेमोरी ग्लैंड्स होती है विच प्रोड्यूस मिल्क, जो मिल्क को प्रोड्यूस करती है टू नॉरिश देयर यंग वंस. मेमोरी ग्लैंड्स होती है जो मिल्क का प्रोडक्शन करती है, और मिल्क जो होता है वो उनके जो यंग वंस होते हैं
उनको नॉरिश करने के काम में आता है। तो उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मेमोरी ग्लैंड्स, ठीक है। नेक्स्ट है स्किन हैज हेयर्स, इनमें मेमेलियन जो होते हैं उनकी स्किन में हेयर्स पाए जाते हैं। स्वेट ग्लैंड्स होती हैं जो क्या करती हैं, स्वेट को एक्सक्रीट करती हैं, और ऑयल ग्लैंड्स भी होती हैं जो ऑयल को एक्सक्रीट करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इनका है मोस्ट प्रोड्यूस लाइक ह्यूमन एनिमल्स जो होते हैं मेमेलियन, वो लाइक जो एनिमल होता है ना, और वो भी लाइक कौन सा जो फुल्ली डेवलप्ड होता है उसको ये क्या करते हैं प्रोड्यूस करते हैं। कुछ होते हैं सम ले एग्स, कुछ एग्स को भी ले करते हैं, और वो भी किस में आते हैं मैमिलिया में, जैसे कि प्लेटिपस है, प्लेटिपस है ना, वो किस में आता है मैमिलिया में, बट ये असम्पशन है, ये एग को ले करता है। कुछ क्या होते हैं सम गिव बर्थ पूर्ली डेवलप्ड चिल्ड्रन या बेबी, तो कुछ क्या होते हैं मैमिलियन में ही कि वो पूर्ली डेवलप्ड चिल्ड्रन को या यंग बर्न को क्या करते हैं बर्थ कराते हैं, जैसे कि कंगारू होता है ना, तो वो फुल्ली मैच्योर नहीं होता है, कंगारू का बेबी होता है वो, उसको अपने जो भी स्ट्रक्चर होती है उसमें रखता है, और उसको फिर वो थोड़ा थोड़ा क्या हो जाता है धीरे धीरे टाइम से वो क्या हो जाता है मैच्योर हो जाता है, ठीक है। तो कुछ क्या होते हैं वो पूर्ली डेवलप्ड चिल्ड्रन को बर्थ कराते हैं, जैसे कि कंगारू एग्जाम्पल है, कैट रैट बैट ह्यूमन एक्सेट्रा, तो जो भी बच्चे में है बैट है कैट है रैट है जो क्या करते हैं अपने बच्चों को फीड कराते हैं बाय द मिल्क, क्योंकि दे हैव मेमोरी ग्लैंड्स टू प्रोड्यूस द मिल्क, ठीक है। इनमें मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं जिनसे दूध का प्रोडक्शन या मिल्क का प्रोडक्शन होता है, और जो अपने बच्चों को फीड कराकर उनका नरिशमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये अपने सिक्स क्लासेस पढ़ ली, पूरा एनिमल डिवीजन प्लांट डिवीजन है ना, वर्टिब्रा इनवर्टिब्रा दोनों अपन ने पढ़ लिए। तो ये जो चैप्टर है अपना डाइवर्सिटी वो यहीं पे क्या होता है फिनिश होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन